जेल में बंद सपा नेता आजम खान को आज कोर्ट से झटका लगा है। उनके प्रार्थना पत्र को कोर्ट ने खारिज कर दिया। दरअसल सीतापुर जेल में बंद सपा नेता आजम खान के वकील ने कोर्ट में एक पत्र देकर मांग की थी कि आजम खान पर चल रहे 27 मुकदमों को एक मुकदमा मानकर सुनवाई की जाए, जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए कोर्ट रामपुर के न्यायालय में जो है आलियागंज के किसानों के द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे जो जमीनों को जबरदस्ती हड़प कर कब्जा करने से संबंधित था, वह मामला विचाराधीन है। इसमें बचाव उसके अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था कि सभी मुकदमे जो 27 मुकदमे हैं सभी को एकजाई कर दिया जाए। उस पर अभियोजन के द्वारा आपत्ति दाखिल की गई थी। माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद एकजाई प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया है और सभी मुकदमों को अलग अलग चलाने के लिए तिथि नियत कर दी। घाटे वाइज है, कुछ में 7 मुकदमे में 27 तारीख लगी है, 7 मुकदमे में 26 तारीख लगी है, 5 मुकदमों में 1 तारीख लगी है और मुकदमों में 30 तारीख लगी है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कोर्ट में यह दलील दिया था कि यह सभी जो घटनाएं हैं एक ही संव्यवहार की एक ही घटना है, जमीन के संबंध में इसको अलग अलग मुकदमे 27 नहीं चलने चाहिए, एक ही है, एक ही सभी अभियुक्तों एक ही अभियुक्तों के विरुद्ध है, इसलिए हमारा सभी मुकदमों को एक साथ एक मुकदमा मान के चलाया जाए। ये सहूलियत के दृष्टि से भी अभियोजन के द्वारा ये आपत्ति दाखिल की गई कि यह जो घटना है ये कई घटना नहीं है, ना तो ये कई संव्यवहार है, क्योंकि अभी जो पत्रावली में एविडेंस है उसमें तिथि या समय नहीं है। जो भिन्न भिन्न किसानों के द्वारा भिन्न भिन्न समय पर अपराध किया गया है और ये अलग अलग घटना है जो गंभीर घटनाएं हैं। किसी व्यक्ति की जमीन को जबरदस्ती कब्जा करके जबरदस्ती बैनामा करा करके फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दे करके ये किया गया है, इसकी अलग अलग मुकदमों का निस्तारण किया जाना है। कौन है इस मुकदमे में जिनके खिलाफ ये केस फाइल चल रहा है? इस मुकदमे में अब्दुल्ला आजम खां, तंजीम फातिमा, कुशलवीर, सीओ आले हसन जो पूर्व में भी थे, फसी जैदी, सलीम कासिम भी थे वो एक्सपायर कर गए हैं, उसके बाद निका थकलाक, नासिर खां, ये लोग हैं। ये सब ट्रस्ट के सदस्य हैं? हाँ, आले हसन और कुशलवीर को छोड़कर सभी ट्रस्ट के सदस्य अध्यक्ष हैं और आले हसन और कुशलवीर ये उस समय जिस समय की घटना थी एक थाना अध्यक्ष थे और एक सीओ थे। ग्लोबल टुडे, खबर जो करे असर।